हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं ये इस टाइप का स्कर्ट आप कैसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक मैंने 5 मीटर लिया है। आप चाहें तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बेटर है आप 5 मीटर ही फैब्रिक लें। और इसकी जो लेंथ ब्रेथ अच्छी खासी होना चाहिए। ये आप देख सकते हो मैंने इसको 4 लेयर में रखा हुआ था। ये 1 2 3 4, ये 4 लेयर में है। अब इसको हम 8 लेयर में कर लेंगे। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसको मैंने 8 लेयर में कर लिया है, ऊपर के 4 लेयर और नीचे के 4 लेयर, तो 8 लेयर हो जाएगा। अब आप कमर का मेजरमेंट लेंगे। मेरे मेजरमेंट से कमर है 34 इंचेस, तो इसमें हम 8, ये इसके हमारे फैब्रिक के 8 हिस्से हैं, तो हम इसके जो भी कमर का मेजरमेंट होगा उसके हम 8वां भाग निकाल लेंगे। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये 2 लेयर हो गया। अब इसको हम 4 लेयर कर लेते हैं। अब इसको हम 8 लेयर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से 8 लेयर में कर लिया है और इसका 4वां भाग इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसका आ रहा है 4.1 इंचेस, तो यहाँ से हम 4 इंचेस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब सबसे पहले ऊपर साइड 2 इंचेस लीव कर देंगे, क्योंकि हम इसमें पट्टी को अटैच करेंगे 2 इंचेस का, और फुल लेंथ का मार्किंग करेंगे। अब की फुल लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं मेरी मेजरमेंट से 40 इंचेस की फुल लेंथ है, 1 इंचेस इसमें मैं स्टर ले रही हूँ। तो इस तरह से 41 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसको कट कर लेना है। नीचे वाली लाइन से हमें कट कर लेना है। इसको मैंने कट कर लिया है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इसको कट किया है। अब इसको ओपन करके हम आपको इसका फ्लेयर दिखा देते हैं, कितना हैवी इसका फ्लेयर बनेगा। देखिए आप इसका फ्लेयर कितना हैवी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इसका फ्लेयर होगा। ये फ्रंट पार्ट है और इसका बैक पार्ट ये है, तो इसके 2 पीसेस कट हो जाएंगे इस तरह से। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसमें कितना फ्लेयर होने वाला है। अब ये आप देख सकते हो पूरा मैंने इस तरह से इसको रखा है, दोनों पार्टों को इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 1 साइड से स्टिच कर लेंगे पूरा नीचे तक। इसमें मैंने 1 साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ से हम 1 इंचेस लीव कर देंगे सिलाई के लिए। दोनों साइड निशान लगा लेंगे। और अब इसको मेजर कर लेंगे यहां से। मेरे मेजरमेंट से कमर था 32 इंचेस, जो हमने निशान लगाया वहां तक 32 इंचेस आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने मार्किंग की है वहां पर 32 इंचेस आ रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये मैंने पट्टी ली है, इसकी बर्थ मैंने ली है 4.5 इंचेस। कमर मेरे मेजरमेंट से था 32 इंचेस, तो इसका हाफ कर लेंगे। हाफ में इसका आएगा 16 इंचेस, तो इसको पट्टी को मैंने लिया है 17 इंचेस का। देख सकते हो 17 इंचेस का इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर 16 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों साइड से 1-1 इंचेस फोल्ड कर देंगे।
अब इस पट्टी को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। सिलाई लगा लेते हैं। पट्टी में मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इस फ्लेयर को उल्टा करके रखेंगे, ये इसका सीधा हिस्सा है, इसको उल्टा करके रखेंगे, ये इसका उल्टा हिस्सा है। अब यहाँ से जो मार्किंग की है हमने, यहाँ से पट्टी को रखेंगे, उल्टे साइड से पट्टी को रखना है और जो हमने मार्किंग की है ये आप देख सकते हो पूरा यहाँ तक आएगा। और अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधी साइड कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाले हिस्से को हमें नॉर्मल सिलाई लगाना है, नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा खींचते हुए जाना है और ये फिनिशिंग से सिलाई इसमें लग जाएगा। तो यहाँ तक इसमें हम किनारे तक यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से उल्टा करेंगे इसको। दोनों पार्टों को अच्छे से मैच कर लेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम पट्टी को अटैच करेंगे। ये मैंने पट्टियाँ ली है, पट्टियों को मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ से इस पट्टी को हम रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा सिलाई हम रिमूव कर लेंगे थोड़ा सा, और इस पट्टी को पूरे फ्लेयर में हम अटैच करेंगे। उसके बाद अंदर साइड फोल्ड करके कुछ इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेंगे। पूरा मैंने पट्टी अटैच कर लिया है। अब इसको हम इस पट्टी को यहाँ से टू फोल्ड करते हुए अंदर साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो फ्लेयर से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जितना पट्टी के साथ फ्लेयर फिनिशिंग आएगा उतना हमारा फ्लेयर से फिनिशिंग नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऊपर साइड हम डोरी डालेंगे क्योंकि एज अ मैं इसको लहंगा टाइप पहनना चाहती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, इस पिक के जैसा इसमें फ्लेयर नहीं आ सकता है। आप चाहे इतना ही फैब्रिक और इसमें ऐड कर लें, इस ऐसा फ्लेयर कैसे ला सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।